ए, एक कॉइन देना, मुझे वेट चेक करना है। दीदी क्या कर रही हो? चप्पल तो उतारो, तभी तो सही वेट आएगा। You're right. कपड़े भी उतार दो अपने, फिर और भी अच्छा वेट है। ए, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी पोती को ये बोलने की? तुझे अभी मैं बताता हूँ, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं कौन हूँ जानता है क्या तू? अबे तुझसे तो मंदिर का घंटा तक नहीं बजेगा, तो मुझे क्या मारेगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे? बहुत गर्मी चढ़ गई है ना तुझ में और उस बुड्ढे में, दोनों की गर्मी अभी निकाल दूंगा मैं। वैसे भी जितने मजे तुझे मैं करवा सकता हूँ, ये बुड्ढा कहाँ करवाएगा? दिमाग तो नहीं खराब हुआ? अरे ये मेरी पोती है। अबे तेरी पोती हो या बेटी, मुझे क्या? चुप रहे, अगर मेरे गांव वाले यहाँ होते तो वो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देते। जा जाके गाँव वालों को लेकर आ, मैं इधर ही बैठा हूँ। उसने हमारी बेटी की इज्जत उछाली और ये देखकर तुम्हारा खून नहीं खोला, लेकिन मैं चुप नहीं बैठने वाली। उसने सांप के बिल में हाथ डाला है। किसे फोन कर रही है? मेरे एक फोन पर ही उसके धज्जियां उड़ जाएंगी। तेरे दादा की तरह मैं चुप नहीं बैठा। दादी अगर डैडी को पता चला तो वो हमें कभी यहाँ नहीं भेजेंगे। आखिर बात क्या है, मुझे तो बताओ। मैं बच्चों को सिनेमा दिखाने के लिए थिएटर ले गया था, वहाँ एक गुंडे ने काव्या के साथ बदतमीजी की। गुड मॉर्निंग, फिल्म खत्म हो गई? नहीं, बस होने ही वाली है। जाओ, गेट बंद करो, गेट बंद करो। वो यहाँ से जाना नहीं चाहिए। यही रुकिए। रुक जाइए, पीछे हटिए। तुम में से किसी ने इस लड़की के साथ बदतमीजी की है। आज उसे बीच बाजार नंगा करके नहीं मारा तो मेरा नाम भी सिंघम नहीं। एक बाप की औलाद है तो सामने आ, झुक कर क्या बैठा है? जल्दी से सिनेमा हॉल आ जाओ। काव्या तुम बताओ कौन है वो? क्या ये है? ये है? पहचानो उसे, आज उसकी मौत उसके सामने खड़ी है। अरे हमने क्या किया, हमको तो जाने दो। ए, कौन बोला 5 मिनट रुक नहीं सकता? जहाँ एक लड़की की इज्जत का सवाल है और तुझे घर जाने की पड़ी है, इसकी जगह तेरी बहन होती तो हट। पुलिस की वर्दी में तो कुत्ता भी शेर बन जाता है, और फिर तेरे पास तो गन भी है। दम मैं तो उतार गया। ये ले, मैंने वर्दी निकाल दी है। शेर शेर होता, चाहे वर्दी में हो या बिना वर्दी। ये लो बहन, तुम्हारा दुपट्टा।
देखा पुलिस वाले की बीवी होने का कितना फायदा है। हम क्या करें, उस बुड्ढे ने फांसी लगा ली और अपने बेटे को इस बारे में एक ईमेल भेज दिया। कमिश्नर साहब को एम्बेसी से प्रेशर आ रहा है, इसलिए एफआईआर लिखनी पड़ी। तो मारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहा है? टेंशन को ले रहे हैं। मैं हूं ना भाई, मैं आपकी बेल का पूरा इंतजाम करूंगा। थारी भैंस की पूछ, मंत्री 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 को फोन लगा। अरे जगह रुको ना भाई, मंत्री को फोन करके मैटर को बड़ा न करें। अगर आप अरेस्ट हो भी गए तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आप अरेस्ट हो गए हैं। भाई ये एम्बेसी मैटर है, इसलिए ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है। मारे अरेस्ट होने के बाद कुछ करेगा? समझिए ना, ये आपके लिए छोटा सा टूर होगा। आपके जेल जाने से पहले मैं आपके लिए बेल लेकर आ जाऊंगा, इसी बात की तो पगार लेता हूँ मैं। बेल तो मिली है लेकिन ये कंडीशनल बेल है, आपको बस 15 दिनों के लिए हाजिरी देनी है पुलिस स्टेशन में। नेल्लूर पुलिस स्टेशन? ये तो विजयवाड़ा के पास हुए। वो नेल्लूर है, ये नल्लूर पुलिस स्टेशन है जो टूटीकोरन के नजदीक है। तो प्रॉब्लम के ये गौरी शंकर कब काम आवेगा? साइन वो करेगा? अरे मेरा कोई भी टपोरी चला जाएगा साइन के लिए, तुम बस भाई का साइन फैक्स कर दो, मैं हूँ ना, बाकी मुझ पर छोड़ दो। सब फैक्स चाहिए। अरे ये मच्छी बाजार नहीं है। सिंगम, एक पुलिस वाले के सामने कैसे बैठ सकते हैं? क्या कह रहे हैं चाचा, मैं पुलिस वाला बाद में, पहले आपका बेटा हूँ। बैठ जाइए। मैं मानता हूँ ये इतने दिनों से जो कुछ भी कर रहा है सब गलत है, लेकिन आप इस तरह कानून हाथ में नहीं ले सकते। ये आपकी बेटी से प्यार करता है, सिर्फ उसकी एक झलक के लिए पूरा दिन रास्ते पर खड़ा है। ये पानी के बहाने मेरे घर पे आके मेरी बेटी को घूरता रहता है, सारा दिन पानी मांगता रहता है। चाची, हमारे गांव की लड़कियां शहर की लड़कियों की तरह घर से बाहर नहीं निकलती, मान मर्यादा में मानती है। तो आपकी बेटी को देखने ये घर नहीं आएगा तो और कहां जाएगा? लेकिन अगर आप लोग इसे इस तरह मारेंगे तो इस नौजवान को समझाएगा कौन? आपका बेटा समझदारी की बातें करता है, इसीलिए तो पुलिस में। ना ही इन परिवारों के बीच, हमारे बीच कुछ होगा तो वो है सिर्फ प्यार होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें इनकी शादी करवा देनी चाहिए। सुब्रतो, अगर चोरी छुपे उसके घर गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ ठीक है। अब हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, गले मिलो, चलो मुस्कराओ। हाँ चलो सब अपने अपने घर जाओ, जाओ जाओ। चलता हूँ। जी बाबूजी। सर जी, आपने दो मर्दों को आपस में गले मिलने के लिए कहा, लेकिन अगर इनमें से एक औरत होती और एक मर्द होता तो आप क्या करते? मैं तुझे यहाँ मारूं या फिर घर ले जाकर? ये शेर एक को माफ करता है लेकिन ये चिता एक को साफ करता है। गवर्नमेंट कहती है कि पेड़ पौधे उगाओ, लेकिन इन दोनों ने तो सारी फसल चेहरे पे उगा ली है। तुम्हारा एक पैर कब्र में है और दूसरा केले के छिलके पर। अगर इतना जोर से चिल्लाओगे तो हार्ट फेल हो जाएगा। जाओ जाओ, ऐश करो, जाओ। आगे चाय की दुकान पे रोके ना सर, फ्री में हाफ ऑफ कटिंग हो जाए। सिंगम रुको रुको। एक काव्य, ऐसे भाग के कहाँ जा रही हो? एक चोर मेरा ब्रेसलेट ले गया और मुझे चोट लग गई। चोट लग गई? क्या बात कर रही हो, जरा दिखाना। येलो साड़ी, तुमने चोर को देखा? मैं 24 घंटे इसके साथ थोड़ी ना रहती हूँ। तो 24 घंटे तुमको इसके साथ रहना चाहिए ना। देखो, जो कुछ भी हुआ है जाकर दादाजी को बताओ, जाओ। लेकिन ब्रेसलेट? देखो, तुम बाहर मत निकलो, घर में ही रहा करो। कभी चेन, कभी मोबाइल और आज ब्रेसलेट। मैं कह रहा हूँ ना, चुपचाप घर जाओ, जाओ। चलो मैं ऐसे। फोकट में इतना क्यों झाड़ दिया सर? झूठ बोल रही थी। सच में? इसके हाथ पर लगा वो घाव किसी चोर ने नहीं, इसने खुद लगाया था। वैसे ये है तो अच्छी लड़की, फिर पता नहीं ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। इसका मोबाइल चोरी हो गया था ना, नंबर है, एड्रेस भी है, फोन लगाना। इस रूट की लाइनें व्यस्त है, बाद में मौका देख के फोन। नंबर सही है, डेस्टिनेशन गलत है। फिर से ट्राई करो। इस गाने को कॉलर ट्यून बनाना है तो स्टार का बटन दबाइए। ये नंबर फिलहाल व्यस्त है। ये तो गाना लीवर की आवाज है, कहां मिलेगा? आवाज बना बना के केड़ा बना रहा है। जिस थाली में खाता है उसी में होल करता है। नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की। ये सारी चीजें तेरे पास कैसे आई? मैं वो तुझसे सब उगलवाना ही होगा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैडम ने ही मुझे ये सब छुपाने के लिए दिया था साहब। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? ये ले। पुलिस की आंखों में धूल झोंकोगी? खुद ही जाकर सारी चीजें सुनील को दे दी और पुलिस को गुमराह कर रही हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे शहर में ये सब चलता होगा, पर हमारे जज्बातों के साथ मत खेलो। तुमने तो कहा था कि उस लड़की को देखने के लिए बहाने बनाने पड़े, तो मैंने भी बहाने बनाए तुम्हें देखने के लिए। मुझे देखने के लिए? जब एक लड़की एक लड़के को देखने के लिए बहाने बनाए तो उसका क्या मतलब हो सकता है? क्या
यही कि वो उससे प्यार करती है, अपनी जान तक दे सकती है उसके लिए। बस कर, पगली रुलाएगी क्या? मुझे कभी भी किसी से इतना लगाव नहीं हुआ। मैंने जब से तुम्हें देखा है मेरे दिल में गिटार बजने लगे। दिन का चैन और रातों की नींद सब गायब हो गए। तुम्हारी खुददारी की मैं दीवानी हो गई। एक लड़की अपने होने वाले जीवन साथी में क्या ढूंढती है? यही कि वो उसे ढेर सारा प्यार करे, जिम्मेदारी उठाए। और ये सारी बातें तुम में है सिंगम। आई लव यू। जवाब तक नहीं दिया, पता नहीं और कितना तड़ पाएगा। एकदम उल्लू का पट्टा है। क्या कहा? मेरा दिमाग खराब था जो तुमसे प्यार किया। अगर तुमने मेरे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचा भी ना, तो मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन में तुम्हारी कंप्लेन लिखाऊंगी कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और अगर उसके बाद भी तुमने किसी और से शादी की ना, तो मैं तुम्हारी शादी तोड़ाने भाड़े के बच्चे लेके आ जाऊंगी। आगे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारे लिए जहर भी पी सकती हूँ। इमोशनल ब्लैकमेल। मेरा बलमा। हार्ट अटैक दे गई, जान लेगी ये। काव्या, हाँ, तुम्हें तो प्यास लगी थी ना? मेरी प्यास तो बुझ गई भाभी। अब भाभी कहा? अब ये घर पे भी आने लगी। सुनो ना, काव्या ने मुझे भाभी क्यों बुलाया तुम्हें पता है? उसने तुम्हें गाली तो नहीं दी है ना? फिर छोड़ो, मजाक मत करो, बताओ ना। तुम्हारी उम्र कितनी है? उससे बड़ी हूँ। तो फिर कोई भी 18 साल की लड़की 35 साल की औरत को क्या बुलाएगी? वो दीदी भी तो बोल सकती थी। चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती जा रही है, तुम्हें ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत है। दीदी बनने चली है। मैंने ऐसा क्या कहा जो इतना भड़क गए?